हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में, और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हाउस में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गोयल हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारी वीडियो है उसको लास्ट तक देखें, क्योंकि जो मैं ये करवाता हूँ तो इसमें आपका क्या है, स्टैटिक और करंट दोनों ही कवर हो जाते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स। अब दोस्तों बात आ जाती है ब्रिक्स क्या है। तो ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको नाम क्या दे दिया गया है, ब्रिक्स। तो इन 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो इसका फॉर्मेशन हुआ जून 2006 में हुआ था, मतलब जून 2006 में जो ब्रिक्स बनाया गया। अब बात आ जाती है दोस्तों कि इस ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। तो दोस्तों पहले ये किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिक के नाम से, BRIC, ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तब इसमें कितनी कंट्रीज थे, 4 कंट्रीज थी। अब एक कंट्री इसमें बाद में ऐड हुआ, वो कौन सा हुआ, तो वो साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, तो 2010 में। और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका है वो कब ऐड हुआ, तो याद रखना है 2010 में ब्रिक्स में जो एस ऐड हुआ ब्रिक में, तो वो 2010 में हुआ, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। ओके, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिक्स ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसको नाम दिया है ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का नाम है जो रियल, वो नाम क्या है, तो वो NDB है। तो इस इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसको नाम दिया है NDB। तो दोस्तों ये बैंक बनाया गया है, ये कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, पब्लिक सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा इस बैंक से। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक बैंक बना दिया जिसको नाम दिया है NDB। और NDB का काफ़ी बार फुल फॉर्म आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब बात आ जाती है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी, जुलाई 2015 में। और जब ये बैंक बनाने की प्लानिंग कंप्लीट कब हो गई थी, जो तो ये जुलाई 2014 में ये कंप्लीट हो गया था। और बैंक शुरू कब किया गया, तो जुलाई 2015 में किया गया। अब बात आ जाती है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस है शंघाई चाइना। और बात आ जाती है कि जो इसका प्रेसिडेंट, मतलब इस बैंक का जो चेयरमैन है, वो किसे बनाया गया है, तो इस बैंक का जो चेयरमैन बनाया गया है वो केवी कामत को बनाया गया है, जो एक इंडियन है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इसका फर्स्ट रीजनल ऑफिस बनाया गया है, इस बैंक का जो फर्स्ट रीजनल ऑफिस बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो वो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब बात आ जाती है जोहान्सबर्ग की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जोहान्सबर्ग दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हीरे और जो गोल्ड की माइंस है बड़ी, वो कहाँ पे है, तो जोहान्सबर्ग में है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो हीरे और सोने की सबसे बड़ी माइंस है। अब दोस्तों सब आगे चलने से पहले हम बात करते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में, जो अपनी 5 कंट्रीज़ हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील के बारे में बात करें तो दोस्तों ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और इसकी करेंसी है वो है रियाल, ठीक है। और दोस्तों अब बात आ जाती है कि जो 2014 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो ब्राज़ील में हुआ था। 2014 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो वो ब्राज़ील में हुआ। और इसी तरह ही 31वें ओलंपिक्स हुए वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में ही हुए थे। अब बात आ जाती है दोस्तों कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है माइकल टैम्बर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि रशिया के बारे में बात करते हैं। रशिया की जो कैपिटल है वो है मास्को, और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। और एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो वो
रशिया है। इसके बाद बात कर ली जाती है कि इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और इनके जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो दमित्री मददेवा। और जो रूस की फर्स्ट वोमेन पीएम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली और करेंसी है रुपया। और जो प्रेजेंट टाइम इनके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो रामनाथ कोविंद। और पीएम है वो है नरेंद्र मोदी। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो रामनाथ कोविंद है और जो नरेंद्र मोदी है वो कितने नंबर वाले पीएम और प्रेसिडेंट है, तो ये 14th नंबर वाले पीएम और प्रेसिडेंट। और इसी तरह ही बात आ जाती है दोस्तों कि इंडिया के बारे में पूछ लिया जाए तो इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड। और इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर ली जाए तो उसका सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चाइना के बारे में। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। और इसकी करेंसी युआन है। और दुनिया में सबसे पहले जो कागज़ का निर्माण करने वाला देश था वो कौन सा, चाइना ही था। और सबसे पहले जो कागज़ का नोट बनाने वाला देश था वो भी क्या है, चाइना ही है। अब बात आ जाती है चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो इनका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और इनके जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो ली किकियांग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर ली जाए तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो एक इसकी कैपिटल है कैप टाउन और एक पिटोरिया, ठीक है। और इसकी करेंसी कौन सी है, तो वो है रैंड। और अब बात आ जाती है इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो साइरल रामापोशा। और इनके पीएम है उनका नाम क्या है, तो जैकब जुम्मा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अब ब्रिक्स बैंक के बारे में बात हो गई थी, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ब्रिक्स बैंक बनाया गया है तो इसे जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मतलब इसके लिए जो अमाउंट इकट्ठी हुई है वो कितनी है, तो इसके लिए जो अमाउंट का कलेक्शन हुआ है वो कितना है, तो वो है $100 बिलियन। और इस $100 बिलियन में जो अलग अलग देशों की पार्टनरशिप है, मतलब इन 5 कंट्रीज़ की जो पार्टनरशिप है वो किस किस की कितनी कितनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना ने कितना हिस्सा डाला है, तो चाइना ने $41 बिलियन इसमें डाले हैं, इस बैंक को बनाने के लिए जो पार्टनरशिप करी है वो कितनी है, तो $41 बिलियन की करी है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट देने वाला है वो चाइना है। इसके बाद बात आ जाती है सेकंड नंबर पे, तो ब्राज़ील, रशिया एंड इंडिया, इन्होंने मिलकर कितनी कितनी करी है, तो $18 बिलियन जो अपना हिस्सेदारी दी है। और सबसे कम जो हिस्सेदारी है वो रही है साउथ अफ्रीका की, सबसे कम हिस्सेदारी किसकी रही है, तो साउथ अफ्रीका की कितनी है, तो $5 बिलियन की है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये ब्रिक्स बैंक है और ये ब्रिक्स समिट के बारे में बात करें, तो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका फर्स्ट समिट हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 2009 में हुआ था, तो यूक्रेनियन बर्ग में हुआ था। और कहाँ पे हुआ, तो वो रशिया में हुआ, रूस में हुआ, ठीक है। और इसका जो 7वां समिट हुआ था वो 2015 में हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो ऊफा रूस, ये भी ऊफा रशिया में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर वाला समिट, वो 2016 में हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो गोवा इंडिया में। और दोस्तों मैं अब गोवा के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, तो इंडिया का सबसे स्मॉल जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा है। और गोवा, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, बट गोवा, दमन द्वीप, ये जो है क्षेत्र, इनको बाद में आज़ाद करवाया गया। वो किन से आज़ाद करवाया गया, तो वो फ्रांसियों से आज़ाद बाद में करवाया गया। तो इनको कब आज़ाद करवाया गया, तो गोवा को आज़ाद कब करवाया गया, तो 1961 में जो गोवा को आज़ाद करवाया गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
नाइन्थवा समिट, नाइन्थवा समिट 2017 में हुआ, और वो कहाँ पे हुआ, तो एक्सिमिन में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो वो चाइना में हुआ, चाइना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टेंथवा समिट जो 2018 में होना है, वो कहाँ पे हुआ है, होना है तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होना है। इसका जो दसवां समिट होना है वो 2018 में होना है, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्द से जल्द लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।